बच्चों को थोड़ा खेलने दें। आप ऑडियंस को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, ये किस व्यू पे था? ऑडियंस को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस दुनिया में प्रेम के लिए बहुत जगह है, अभी प्रेम की कमी है, आप लोग प्रेम करें, लोगों से प्यार करें, लोगों की मदद करें और कला के साथ जुड़ें, अलग अलग कलाओं के साथ काम करें। नाटक देखना है, मैं जोधपुर में खड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जोधपुर शहर में इतना शानदार ऑडिटोरियम बनाया है अभी, आप इस ऑडिटोरियम को यूज़ करें, अपने बच्चों को कला की तरफ डालें, अलग अलग कलाओं में उनको, बच्चा अगर कला सीखता है, कला के अंदर रहता है तो उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस ड्रामा के लिए और आपकी टीम को भी। थैंक यू सो मच। थिएटर के अंदर जो ड्रामा एक प्यार का है उसके अंदर आपने यमराज का रोल किया है, तो उसके बारे में और ये हमारी पहली अपॉर्चुनिटी है मेरे को जो मिली है, ये हमारा पहला प्ले था तो अरुण सर के वजह से पूरा हो पाया आज, ये सब आइडिया उनका ही था, उन्होंने हमको बताया, थोड़ा हमने किया, जैसा बाइक भी जैसा आपने देखा कि आज ही किए हमने, अच्छा लगा हमको, फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़ा पसंद आया हमको भी, करने में बहुत इंजॉयमेंट हुई हमको। जो आजकल के युवा है जो बाकी शादियाँ करते हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने जो यमराज का रोल किया है, आप पाताल लोक से, धरती लोक से और आकाश में भी गए हैं इस नाटक के माध्यम से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब अभी मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं खुदा भर नहीं कर लूँ पर वो मेरे शरीर साथ देता नहीं। आज दर्शकों से पूरा भरा हुआ था टाउन हॉल, तो दर्शक भी काफी फुटिंग भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको, तो आपको क्या महसूस हुआ? इतना मेरे को लगा नहीं था कि दर्शक इतना एंजॉय करेंगे मेरे सीन को, पर जब मेरे को हुटिंग वगैरह सुनी थी तो मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि अच्छा मेरा सीन भी मतलब बढ़िया हो गया है, अच्छा है, मेरे को लगा छूट नहीं जाए कुछ, गाड़ी गिर नहीं जाए, एक टेंशन वो भी थी कि गाड़ी अगर संभली नहीं या कुछ जगह पर अटक गई गई तो अगर वैसा कुछ हो गया तो, पर भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ नहीं। आपका नाम? आदित्य नारायण व्यास। आप जोधपुर से हैं? हाँ सर। थैंक यू। प्ले के मेंबर्स से बात करी, उनके अभिनेताओं से बात करी, तो अब हम बात करते हैं ऑडियंस से जो इस प्ले को देखने के लिए आए थे उनके क्या व्यूज है और वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगा प्ले? हेलो सर, आपका शुभ नाम? अमित सांथल जी, कैसा लगा आपको प्ले, आप यहाँ देख रहे हैं? प्ले वाज अमेजिंग, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्स इस प्ले में यूज किए गए हैं, इट वाज अमेजिंग। प्ले जो है कौन ले रहा है फोटो? Okay. नमस्ते। कल रेडियो में आएंगे सबको फोटो, ठीक है ना? हमारी टीम में से भी कोई लोग प्लीज जाके अभिनय गुरुकुल, सब लोग बोलो घी। करने क्यों है? कि प्रेम में आत्महत्या करने वाले कोई कदम नहीं, कोई इज्जत नहीं। हाँ यार,
करते हो यार, अभी बंदा चलो बुढ़ा के आया आओ यहाँ से टाउन हॉल तक करने के लिए सब जाओ, तुमको हमारा राम नाम सती नहीं करवाना। अरे तुम्हारा राम नाम 15 मिनट पहले ही सत्य हो गया था। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। जंप यू डू बेटर, यू डू बेटर, यू कम बेटर, यू कम बेटर नाउ शिट यार। ओह खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।